गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हम पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ देखने वाले हैं आज। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि वॉट इज़ पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। जब हम पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच ऑफ साइंस को हम बोलते हैं पैलिनोलॉजी। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट द डायमेंशंस ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, क्या उसका डायमीटर है, तो इट इज़ अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर का ये बहुत ही स्मॉल होता है। एंड इट इज़ हैविंग टू लेयर्स, दो लेयर्स पाई जाती हैं इसमें। वन इज़ एक्साइन एंड अनदर इज़ इंटाइन। तो जो एक्साइन है, दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड इंटाइन इज़ द इनर मोस्ट लेयर। ओके, दिस एक्साइन इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन एक्चुअली है क्या? इट इज़ अ ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरेटिनॉइड्स। कैरेटिनॉइड्स का पॉलीमर है ये। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्पोरोपोलेनिन? इसका पर्पस क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ वेरी टफ एंड रेजिस्टेंट सब्सटेंस। ये बहुत ही टफ होता है, बहुत ही रेजिस्टेंस होता है, जो कि हेल्प करता है पॉलन ग्रेन्स को काफ़ी टाइम तक वायबल रखने के लिए। इसलिए इसके जो नेचुरल अंदर की जो प्रोसेस होती है, ये हार्डली इफेक्टेड होती है बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बहुत हाई टेम्परेचर भी हो गया या बहुत एक्सट्रीम कोल्ड भी हो गया, तो उस कंडीशन में भी ये पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है एक्साइंस। ओके, नाउ देयर आर सम प्लेसेस इन द एक्साइन, यानी कुछ कुछ ऐसी जगह होते हैं एक्साइंस में विच इज़ नॉट covered by the स्पोरोपोलेनिन, जो कि स्पोरोपोलेनिन से covered नहीं होता है। and that region is used for the germination of development of pollen tube। वहीं से pollen tube का development start होता है। okay, coming on to intines, intines जो है वो innermost region है। and intines के अंदर ही two types के cells पाए जाते हैं। one is vegetative cell and another is generative cell। ये भी अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम pollen kit जरूर देखेंगे। पॉलन किट क्या होता है गाइस? पॉलन किट इज एक्चुअली, सी पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन इज एक्चुअली सराउंडेड बाय अ येलो कलर ऑफ विस्कस फ्लूइड। ये येलो कलर के विस्कस फ्लूइड से सराउंडेड होता है, थोड़ा स्टिकी फ्लूइड होता है। अब ये इस येलो कलर का जो फ्लूइड, इसका क्या पर्पस है? सी पॉलिनेशन के लिए मोस्टली अगर हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो कहीं इंसेक्ट्स यूज होते हैं, बीज यूज होते हैं। तो ये बीज कैरी कैसे करते हैं दूसरी जगह पे? एक्चुअली क्या होता है, ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, ये दिस एक्चुअली हेल्प्स इन स्टिकिंग टू द इंसेक्ट, के इंसेक्ट को चिपकने में थोड़ी हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस येलो कलर ऑफ फ्लूइड इज प्रेजेंट इन द पॉलन किट, ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलन किट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में एक्चुअली अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें, तो इंटाइन रीजन में दो टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। वन इज वेजिटेटिव सेल एंड अनदर इज जनरेटिव सेल। सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेजिटेटिव सेल? दिस इज द सेल विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एंड इट डीजनरेट्स वंस द पॉलन ट्यूब हैज बीन जर्मिनेटेड। जैसे ही पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट हो जाएगा, तो इसका कोई काम नहीं रहेगा, ये डीजनरेट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जनरेटिव सेल्स? दिस जनरेटिव सेल्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ टू मेल गैमेट्स। ये दो मेल गैमेट्स को, सॉरी इट्स नॉट वर्किंग, टू मेल गैमेट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, सो वेजिटेटिव और जनरेटिव, आई थिंक दिस टू इज क्लियर। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू ओव्यूल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट। ये तो हमने मेल गैमेटोफाइट के बारे में देखा, अब हम फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में देखेंगे। सी एवरीबडी नोज कि भाई इस टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, नाउ सी इफ वी टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल, किस तरीके से दिखता है फीमेल गैमेटोफाइट, तो इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाई द 2 to 3 layers which are called as integuments. These are the protective layers. किसी में एक पाया जाता है, किसी में दो पाया जाता है, तीन भी पाया जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट नंबर्स के बेसिस पे हम इसे नेम भी देते हैं। अगर वन पाया जाता है तो इट इज कॉल्ड एज यूनिटेगमिक, टू पाया जाता है तो इट इज कॉल्ड एज बाईटेगमिक, थ्री पाया जाता है तो ट्राईटेगमिक, अगर एक भी नहीं पाया जाता तो एटेगमिक। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट हम इसको नेम भी देते हैं। ओके, नाउ द प्लेसेज वेयर दीज इंटीग्यूमेंट्स आर फ्यूज, दैट इज कॉल्ड एज चलेजा।
जहाँ पे फ्यूज्ड होता है ये सारे इंट्यूगमेंट्स, उसको हम चैलेंजा बोलते हैं। चैलेंजा के जस्ट अपोजिट एंड पे माइक्रोपाइल प्रेजेंट रहता है। दिस माइक्रोपाइल इज एक्चुअली यूज्ड फॉर पॉलन ग्रेन टू फॉर पॉलन ट्यूब टू एंटर इनसाइड। ये पॉलन ट्यूब के लिए एक टाइप का वे बनाता है, रास्ता बनाता है, ताकि जो पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट्स आए हैं वो सीधा अंदर जा करके जो हमारे एग्स सेल्स हैं इनसे फ्यूज हो जाए। ओके, हीलियम फ्यूनिकल, these two are actually the stalks which are used for connecting this ovule to the placenta. ये ovules को placenta से connect करने में help करता है। Helium connect करता है ovule को funicle से and funicle connect करता है this complete structure with the placenta. Okay, now coming on to nucleus. Nucleus क्या है? Integuments के अंदर एक thick viscous fluid होता है जो कि nourishment का काम करता है, इन्हीं cells को nourishment देता है, जिसे हम nucleus बोलते हैं। ओके, नाउ इट इज़ नॉट नेसेसरी कि चैलेंजा, माइक्रोपाइल और ये जो ओव्यूल वाले जितने भी सेल्स हैं वो एक ही साथ एक ही पैटर्न में प्रेजेंट हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी अरेंज, और उसी के बेसिस पे हम इसे नेम भी देते हैं, एम्पाइलोट्रॉपस, कार्सिनोजेंटोट्रॉफिक, इस टाइप से हम इसे नेम्स भी दे देते हैं। तो ये एक बार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ओके, आई थिंक गाइस यहाँ तक क्लियर है। इसमें हम सिर्फ पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे। दिस चैप्टर इज़ क्वाइट लॉन्ग, तो हम धीरे धीरे करके इसे कवर करने वाले हैं। डू नॉट पैनिक, हम स्लोली इसको कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स। बस यू पीपल हैव टू कीप अप कॉपी एंड पेन विथ यू एंड कीप डाउन नोटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।